प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस वक्त कांग्रेस के नेता प्रदीप जैन, जो कि ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी हैं और झांसी इलाके से सांसद भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं प्रदीप? पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का माहौल है और लोग चाहते हैं कि प्रदेश में बदलाव हो। युवा हृदय सम्राट जब से बुंदेलखंड की सरजमी पर आए और उनके मन में बुंदेलखंड के विकास का सपना समाया और उन्होंने उस सपने को क्रियान्वयन किया, बुंदेलखंड को पैकेज दिलाया। पिछले 22 सालों से जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने युवाओं के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, कोई उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए। यहाँ तक कि कांग्रेस के शासनकाल में जो सूती मिल चालू हुई थी वो सूती मिल भी बंद पड़ी है। इस इलाके की अगर हम बात करें तो तकरीबन 19 सीटें हैं विधानसभा की, पिछली बार सिर्फ 2 सीट आपके हाथ आई थी, इस बार क्या उम्मीद लगा? इस बार हमें लगता है कि सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ाई में है और अधिकांश सीटें कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस ही क्यों जीतेगी? कांग्रेस इसलिए जीतेगी कि कांग्रेस के युवा हृदय सम्राट राहुल जी ने बुंदेलखंड के लिए, जो बुंदेलखंड के लोगों के मन में एक सपना था, उन्होंने बुंदेलखंड को दिमाग से नहीं दिल से लिया, बुंदेलखंड के दर्द को समझा, बुंदेलखंड को पैकेज दिया और बहुत सारी योजनाएं दी। लेकिन आप दिल और दिमाग की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा दिल की बात तो मायावती ने की, कहा कि हमें बुंदेलखंड एक अलग राज्य ही बना देते हैं और सबसे ज्यादा दिल के करीब पहुंच गए। मायावती ने तो सिर्फ बुंदेलखंड को लूटा है और 5 मिनट के अंदर 403 विधायकों की बात को कह देना, एक कागज पर लिख देने से राज्य नहीं बन जाता। अगर उन्हें राज्य बनाना था तो जो हम विधायक थे उस समय हमने एक संकल्प और प्रस्ताव विधानसभा में रखा था जिस पर मायावती जी ने 4.5 साल तक कोई निर्णय नहीं किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि चारों तरफ उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आ रहे हैं, उनके 25 से ज्यादा मंत्री लोकायुक्त के घेरे में है, 70 से ज्यादा विधायक जो उनके लिए वसूली करते रहे वो भ्रष्टाचार के घेरे में, तब उन्होंने जनता का ध्यान बांटने के लिए ये कार्य किया। उनका बुंदेलखंड से कोई लेना देना नहीं। आप लोगों के बुंदेलखंड पैकेज दिए हुए भी कई साल हो गए हैं, लेकिन किस चाहे वो सूखे की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, कुछ भी दूर तो हुई नहीं है। आज भी किसान उसी बदहाली में जीने के लिए मजबूर है, जबकि सबसे ज्यादा यात्राएं भी राहुल गांधी इसी इलाके में की। बुंदेलखंड की बदहाली जब तक राज्य सरकार की मंशा ठीक नहीं होगी दूर नहीं हो सकती। आज राज्य के अंदर 52,460 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन अगर हम देखें तो वहां पर केवल 7,000 ग्राम विकास अधिकारी हैं। ऐसा पहला राज्य है जिस राज्य की हर ग्राम पंचायत में एक सरकारी कर्मचारी नहीं है। हम महात्मा गांधी नरेगा में 7,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि देते हैं, लेकिन उसका बंदरबांट होता है। चूंकि संघीय ढांचे में राज्य की चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र से जो धनराशि आए उसका ठीक ढंग से क्रियान्वयन करें और जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आए उनको दूर करें। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब आप बुंदेलखंड की जनता को क्या आशा, क्या उम्मीद, क्या भरोसा दे रहे हैं कि वो आपको ही वोट दे? बुंदेलखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानती है कि जब हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं थे और बुंदेलखंड के नेतृत्व के रूप में राहुल जी जब बुंदेलखंड की सरजमी पर आए तब उन्होंने इतनी सारी सौगातें दी, तो जब हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के किसी भी युवा को, किसी भी किसान को या किसी भी छात्र को यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों के माध्यम से बुंदेलखंड विकसित होगा, उत्तर प्रदेश विकसित होगा और एक एक व्यक्ति मुख्य धारा में जुड़ेगा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जैन, जो कह रहे हैं बुंदेलखंड का विकास होगा तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अमृता राय, राज्यसभा टीवी के लिए।